आज की वीडियो में बात करेंगे Vivo T1 Pro 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के यूजर्स आर वेट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में Android 13 और FunTouch OS 13 का जो बीटा फॉर्म है वहाँ पर कब तक लाइव किया जाएगा, किन्हें उसको अप्लाई करना चाहिए, किन्हें उसको मिस करना चाहिए, फॉर्म तो अप्लाई करोगे फिर आपको अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, सारी वीडियो शेयर करूंगा, वीडियो को स्टार्ट से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं Vivo T1 Pro 5G डिवाइस के Android 13 और FunTouch OS 13 बीटा फॉर्म के बारे में बात करें, उससे पहले आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको जो भी सिक्योरिटी पेजआउट देखने को मिलता है उसे आपको अपडेट करके रखना होगा, तभी आप Android 13 बीटा फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पर बात करते हैं कि इस फॉर्म को आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो ये एक बीटा अपडेट है। इस अपडेट के साथ में आपको हीटिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, बैटरी डाउन इशूज, लैगिंग इशूज, यहाँ पर और भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस बीटा फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लेना। और जो यूजर्स अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम नहीं करते हैं और टेस्ट के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा। आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सॉफ्टवेयर क्लिक करोगे, राइट टोकन पर सेटिंग का आइकन देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां पर आपको ट्रायल वर्जन से होगा, वहां पर आपको बीटा देखने को मिलेगा, उस पर आप टैप करोगे। एक फॉर्म से होगा जहां पर आपको ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद वो फॉर्म एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगा, फिर आपका फॉर्म अंडर रिव्यू में जाएगा, अंडर रिव्यू से अपलोड या फिर पास होगा। फिर आपके डिवाइस के सॉफ्टवेयर के सेक्शन में एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, जिसकी साइज आपको 5.5 GB के आसपास देखने को मिलेगी। उसको इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस का इंटरनल स्टोरेज 20 GB की फ्री स्पेस होना चाहिए और डिवाइस का बैटरी 60% प्लस चार्ज होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में उस बीटा अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हो। और हम बात करते हैं कि इस डिवाइस के लिए एंड्रॉइड 13 का बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा वीवो की ओर से, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, वीवो ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है आपको नवंबर के मिड तक यहाँ पर एंड्रॉइड 13 का बीटा फॉर्म को लाइव किया जाएगा। तो तब तक लिए आपको एक्टिव रहना है, एक्टिव रहने के लिए हमारे चैनल से आपको जुड़ जाना है ताकि इसके रिगार्डिंग और कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। तो यार छोटी छोटी में यही था, अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलता है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।